तो चुनावी सरगर्मियों के बीच दिल्ली में बीजेपी की 21 साल पुरानी दोस्ती टूट गई है। दरअसल बीजेपी दिल्ली चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे बीजेपी और अकाली दल का 21 साल पुराना गठबंधन दिल्ली में टूट गया। शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव से अपने आप को अलग करने का फैसला किया है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी का शिअत पर भारी दबाव था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीए पर स्टैंड बदलने की बजाय हमने विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। दिल्ली में अकाली दल हमेशा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ता रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी अकाली नेता निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला हुआ, गठबंधन को लेकर पार्टी हाईकमान को फैसला करना है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सियासी नहीं सामाजिक गठबंधन है, पंजाब में शांति और भाईचारा कायम करने वाला गठबंधन है। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने को लेकर भी उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। सिरसा ने कहा कि सीए की मांग शिअत ने ही की थी, लेकिन उसमें किसी धर्म को निकालने की बात नहीं थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित होने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध को भारत में नागरिकता देने का हम स्वागत करते हैं। इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सिरसा ने कहा कि विधानसभा को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में भी ये मुद्दा उठा। बीजेपी नेता पार्टी से सीए को लेकर अपने रुख पर विचार करने को कह रहे थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने इस पर इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों में सीटों के मामले पर बात नहीं बन पाई, जिसके कारण दोनों दलों का लंबे समय से चले आ रहा गठबंधन टूट गया। जानकारी के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल सभी सीटों पर अपने पार्टी के निशान तराजू पर चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि बीजेपी उसे दो सीटों पर कमल के निशान पर चुनाव लड़वाना चाहती थी। इस मामले को लेकर रविवार को भी प्रकाश जावड़ेकर और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के बीच लंबी वार्ता चली, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। वहीं सोमवार को भी इसके लिए दोनों दलों के नेताओं के बीच लंबी वार्ता चली और अंत तक दोनों किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः दोनों दलों में किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई और ये गठबंधन टूट गया। टीम राजनीति। तो दिल्ली में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन टूटने पर अकाली दल ने अपना स्टैंड साफ किया, तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक मौका और मिल गया। श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हमने चुनाव अलायंस में ही लड़ते रहे हैं, हमने चुनाव जो अलायंस में लड़ते रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंड उन्होंने अपना डिबेट किया है, हमने अपने स्टैंड को वहीं का वहीं रखा है, इसलिए इस चुनाव को हम नहीं लड़ेंगे। मैं कहूंगी कि देर है दुरुस्त है, और उनको ये समझ में आया कि इस देश में हमारा देश सेकुलर है और इसमें किसी भी धर्म का डिस्क्रिमिनेशन हमें बर्दाश्त नहीं है, और निश्चित तौर से ये एक बहुत खुशी की